कोरोना के खिलाफ जहां देश एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है, वहीं कांग्रेस इस संकट के दौर में अलग ही खेल खेल रही है। एक तरफ राहुल गांधी सोशल मीडिया पर वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्य वैक्सीन को डस्टबिन में डालकर बर्बाद कर रहे हैं। आज हम पड़ताल कर आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस शासित राज्यों में जीवन रक्षक वैक्सीन को बर्बाद किया जा रहा है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। सीएम सोरेन राहुल गांधी के इशारे पर काम कर रहे हैं। देश में अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हुई है तो वो झारखंड है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में कुल सप्लाई की 37.3% वैक्सीन बर्बाद हुई है। बर्बाद हुई वैक्सीन से कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी? सवाल ये कि क्या वैक्सीन के अभाव में हुई मौतों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? झारखंड के बाद जिस राज्य में सबसे अधिक वैक्सीन की बर्बादी हो रही है वो राज्य छत्तीसगढ़ है। इत्तेफाक से यहाँ भी कांग्रेस की ही सरकार है। आंकड़ों की माने तो यहाँ 30% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। हैरानी की बात यह है कि वैक्सीन की बर्बादी को राज्य सरकार ने नकारते हुए इसे भ्रामक बता दिया। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में भी वैक्सीन की बर्बादी का मामला सामने आया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार 8 जिलों के 35 वैक्सीनेशन सेंटरों पर 500 वायल में करीब 2500 से भी ज्यादा डोज तो केवल डस्टबिन में मिले हैं। दैनिक भास्कर ने अपनी पड़ताल के हिसाब से बताया कि कूड़े के साथ मिले कोरोना वैक्सीन के 500 से अधिक वायल 20-75% तक भरे हुए थे। वहीं आंकड़ों की माने तो 2021 में 16 जनवरी से लेकर 17 मई तक राज्य में 11,50,000 से भी अधिक कोविड-19 वैक्सीन की डोज बर्बाद कर दी गई है। सवाल ये कि जीवन रक्षक वैक्सीन को बर्बाद कर कांग्रेस को क्या मिला? पंजाब में पानी में बहा दिए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन की तस्वीर को आप भूले नहीं होंगे। कांग्रेस शासित राज्य पंजाब कोरोना वैक्सीन की बर्बादी में भी पीछे नहीं है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू को वैक्सीन के बर्बाद होने का कोई मलाल भी नहीं है। उनका साफ कहना है कि 1,00,000 वैक्सीन डोज बर्बाद हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये कि कोई सरकार इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन से सीएम बने उद्धव ठाकरे की सरकार भी वैक्सीन को लेकर लापरवाह नजर आई। केंद्र सरकार के मुताबिक यहां 5,00,000 कोरोना वैक्सीन को बर्बाद कर दिया गया। जाहिर है कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ही है, लेकिन बावजूद इसके वैक्सीन की बर्बादी राज्य सरकार की बद इंतजामी का नतीजा है। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कांग्रेस शासित राज्य आखिर क्यों वैक्सीन को बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना है। वैक्सीन को बर्बाद करने वाले ये राज्य अब वैक्सीन की कमी का रोना रोकर मोदी सरकार पर वैक्सीन नहीं देने का आरोप लगाएंगे। आपको याद होगा कि कैसे कांग्रेसियों ने शुरुआत में ही वैक्सीन का विरोध किया था। अब कांग्रेसी वैक्सीन को डस्टबिन में डालकर देश में डर्टी पॉलिटिक्स शुरू करना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी मत भूलिए, ये पब्लिक है, सब जानती है, और वक्त आने पर आपको और आपकी पार्टी को करारा जवाब मिलेगा।